सुनने में आया कि शहनाज का स्वयंवर एक नया शो शहनाज को मिला है जिसमें सिद्धार्थ भी हिस्सा लेने वाले। क्या आपको ये चीज़ पता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी तक। बट अगर ये शो होगा जिसमें सुनने में आया कि कलर्स का ही शो है जहाँ पे शहनाज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपको लाइक शहनाज का स्वयंवर देखना ऑन टेलीविजन कैसा लगेगा? नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं कुछ अभी तक, कुछ नहीं है कि स्वयंवर स्वयंवर पता नहीं आपको कहाँ से पता लग जाता है, हमें पता नहीं लगता। अच्छा इसके बाद भी ठीक है शहबाज, आप खुद जाके आए, सलमान ने वीकेंड में बहुत हंसे थे स्पेशली आपके बातों पे। आपने बोले थे आप उनकी छोटी छोटी क्लिप्स बनाएंगे सोशल मीडिया के लिए, तो अगर आपको बिग बॉस 14 ऑफर होगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन दे आपने अंदर लाइक जब मैं अंदर गया था तो मैं बहुत डरा था, तो अंदर गया था तो मेरा अलग ही, जैसे वो अलग ही दुनिया है। तो अब मुझे अगर फिर से चांस मिलेगा तो रिएक्शन तो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, अलग सा होगा कि फिर उस दुनिया में जा रहा हूँ। एग्जैक्टली जब घर में टास्क होता कनेक्शंस के बीच में, तो वेल ये ऐसा सीजन है जिसमें किसी ने टास्क नहीं किया, भले वो कंटेस्टेंट हो या कनेक्शंस हो, हर टास्क रद्द हुआ है, फिनाले तक आ गया है। लेकिन जब हमने देखा था विकास गुप्ता और कश्मीरा की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी घर में, उसके बारे में आप बता दो, और आपको भी बहुत अच्छा डिसीजन मिला था कि आप किसी को सेव कर सकते हो विशाल और आरती में, लेकिन आप जहाँ पे विशाल का सपोर्ट करते वहाँ पे ही विकास गुप्ता ने आपको आरती के लिए फोर्स किया एंड आरती अब सेफ हो गई, विशाल एविक्ट हो चुके हैं, तो वो उस बारे में कुछ जानना चाहिए। उस बारे में जैसे लाइक हमें को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी वो होगी कि शनाज के लिए होगा कुछ, पर वो अलग ही था। अपॉर्चुनिटी जो मिली थी कि सेव करना है, पर शनाज और सिद्धार्थ को नहीं कर सकते, पर हम कर सकते हैं विशाल और उसको। मैंने विशाल का नाम पहले लिया था क्योंकि विशाल के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो फिर उन्होंने आरती का नाम लिया। आरती का मैं नया नया गया था वहाँ पे, जो मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं किसी का दिल ना ही दुखाऊँ, चलो कि कोई सेव हो रहा है तो बचाना तो लोगों ने ही है।